हाय गाइस, मैं शाम आप देख रहे टेक्निकल शॉन और स्टूडियो में आपको बताऊँ कैसे आप एमई यू 12 का कंट्रोल सेंटर से कोई भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको एमयू 12 का कंट्रोल सेंटर से कोई भी ऐप को ओपन करना है तो कैसे आप कर सकते हैं वन टैप में, जो कि आपका एज अ टॉगल काम करेगा और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि आप ऐड कर सकते हैं कोई भी एमयू 12 या एमयू 11 डिवाइस में। तो कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जाना होगा प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर ओपन करना, सर्च करना आपको क्विक सेटिंग्स। जैसे आप सर्च कीजिए क्विक सेटिंग तो आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा, सिंपली आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए और उसके बाद आपको ऐप ओपन करने के बाद शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्टकट में आपको टैप करना, फिर आपको देखने को मिल जाएगा ऐप एंड शॉर्टकट्स #1, #2। तो आपको कोई भी ऐप मतलब जाना होगा ऐप एंड शॉर्टकट में, उसके बाद आपको जाना होगा कस्टमाइज में, उसके बाद आपको जाना होगा ओके करना, कस्टमाइज ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा फिर सिंपली आपको अनेबल टाइल्स में, अनेबल टाइल्स जैसे आप कीजिएगा तो आपका जो टाइल्स वो आपका अनेबल हो जाएगा। फिर आपको फिर से ओके कर देना है, तो आपका काम समझ लीजिए हो गया है। तो बस इतने थोड़ा सा काम है, फिर आपको उसके बाद ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं एमयू 12 का कंट्रोल सेंटर में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली उसके बाद आपको जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा होम स्क्रीन में जाने के बाद, या डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एमयू 12 का कंट्रोल सेंटर में। तो एडिट का ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा अवेलेबल टॉगल्स, तो अवेलेबल टॉगल्स में आपको देखने को मिल जाएगा एपलेट्स जो होता है गोल गोल, मतलब ऐप्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको सिंपली ऐड करना है, ऐड जैसे कीजिएगा तो आपका एक टॉगल ऐड हो जाएगा। फिर उसको आपको डन करना है, डन करने के बाद आपका समझ लीजिए आधा से ज़्यादा काम हो गया है। तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको जाना होगा जो एपलेट है जो आप क्रिएट किया है टॉगल को, उसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि आपका जितने भी ऐप्स है वो आपका लोड कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पहला बार में। तो इसमें आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको देखने को मिल जाएगा चूज एन ऐप। तो आपको कोई भी ऐप इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पबजी हो गया, अमंग अस हो गया, COD हो गया, या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको इसमें मन करे। तो ऑब्वियसली सिंपली आप इसमें कोई भी ऐप को ऐड कर दीजिए तो आपको सभी ऐप देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका मतलब सिस्टम ऐप हो या आपका थर्ड पार्टी ऐप हो। तो डायरेक्टली आप वन टैप में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आप डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं आपका MIUI कंट्रोल सेंटर से, जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपको मतलब काफ़ी यूज़ करना बट उसको आपको मतलब डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो मैं आपको अभी सिक्योरिटी ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि जैसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक नया ऐप अभी देखने को मिल जाएगा या नया टॉगल देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे कि एपलेट में जैसे आप टैप कीजिएगा तो आपका जो है सिक्योरिटी ओपन हो गया। अभी आपको मतलब होम स्क्रीन में जाने का जरूरत नहीं है, ना ऐप ड्रॉअर को ओपन करने का जरूरत हो रहा, तो डायरेक्टली आप एमयू 12 का कंट्रोल सेंटर से इनेबल कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी आपका एस का लोगो देखने को मिल गया है। तो ऐसे ही आपको जो ऐप भी आप डालेगा उस हिसाब से आपका लोगो जो है चेंज हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको रिमूव करना तो फिर आपको एडिट ऑप्शन में जाना है और माइनस में टैप कर देना है और डन कर देना, तो आपको जो है एपलेट जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो यही था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन टैप कर सकते हैं। और बेल आइकन टैप करने के बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए बाय।